बेजल इम्प्लांट। जी हाँ दोस्तों, बेजल इम्प्लांट के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं क्योंकि ये नई टेक्निक है और बहुत जल्दी इसमें दांत लगा दिए जाते हैं। लेकिन हर चीज का एक प्रॉस और कॉन्स होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं, तो आज मैं केवल और केवल बेजल इम्प्लांट पर ही बात करना चाहूंगा। आज के समय में सबसे अच्छा तरीका दांत फिक्स करने का डेंटल इम्प्लांट्स ही है। यूं तो हमने जीवन में सुना है कि केवल दो बार दांत मिलते हैं, मिल्की टीथ या कहें प्राइमरी टीथ जो दूध के दांत कहे जाते हैं, और सेकेंडरी टीथ जो परमानेंट टीथ होते हैं। लेकिन अगर आपके दांत परमानेंट भी टूट गए हैं तो अब इम्प्लांट से ये भी संभव है। तो ये दांत डेफिनेटली भगवान के दिए हुए नहीं हैं, लेकिन नियर टू नेचर हम इसको बना देते हैं। अब सब कुछ खा सकते हैं, दिख अच्छा सकते हैं और पर्सनैलिटी रीबिल्ड आपकी डेवलपमेंट में बहुत ही इम्प्लांट्स सहायक हैं। ये फिक्स टीथ होते हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, एक सीनियर डेंटल सर्जन होने के नाते मैंने बहुत से विषयों पर आपको जानकारी दी है। मेरा हॉस्पिटल जनकपुरी में है, दिल्ली में है। किसी को भी बेजल इम्प्लांट्स की या इम्प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो और मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो मेरे फ़ोन नंबर्स नीचे लिखे हैं, आप कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स पूरे देश से और विदेशों से भी हमारे साथ जुड़े हैं। बेजल इम्प्लांट्स भी हमने बहुत किए और कन्वेंशनल इम्प्लांट भी बहुत किए। आज बेजल इम्प्लांट के बारे में मैं संक्षेप में आपको ये जानकारी देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, बेजल इम्प्लांट जैसा कि इसका नाम है, एक बेजल बोन के अंदर लगाए जाते हैं, कॉर्टिकल बोन में लगाए जाते हैं। सामान्यतः उन पेशेंट्स में लगाए जाते हैं जिनके पेशेंट्स की बोन की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं रहती है। ये एक सिंगल पीस इम्प्लांट होता है। कन्वेंशनल इम्प्लांट में दो पीस होते हैं लेकिन इसमें एक सिंगल पीस ही रहता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक वीक के अंदर आपको पूरा कंप्लीट विद प्रोस्थेसिस कंप्लीट करना होता है, क्योंकि ये स्प्रिंट ही तभी करेगा जब एक वीक के अंदर आप सारा सिस्टम इसको कंप्लीट कर देंगे। जैसे इमीडिएट लोडिंग ऑफ इम्प्लांट्स एंड प्लेसिंग टीथ जो कहा जाता है, यही होता है कि 3 दिन के या 4 दिन के अंदर आपका पूरा विद इम्प्लांट्स ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लें। क्योंकि अगर इसको हम ज़्यादा लंबा करेंगे और ऑक्लूजन नहीं मिलाएंगे तो आपके इम्प्लांट्स फेल होने का रिस्क बन जाता है। तो मैं छोटी छोटी इंडिकेशंस हैं जो आपको बेजल इम्प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा। पहला नंबर, जैसा मैंने आपको बताया, सीवियर डेफिशिएंसी होगी जिनमें किसी भी वजह से बोन खराब हो जाती है, पेरिडोंटाइटिस की वजह से या आपके एक्सट्रैक्शंस हो गए हैं या और बोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एजिंग है, बहुत से कारण हैं उसमें। दूसरा, जहां बोन ऑगमेंटेशन फेल हो जाता है, आपने बोन ग्राफ्ट किया, एक तो बोन ग्राफ्ट कॉस्टली अफेयर है, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत सारी अच्छी स्किल चाहिए इसको बोन ग्राफ्ट को करने के लिए। अगर वो प्रॉब्लम है और पेशेंट्स कोई सक्सेसफुल बोन ऑगमेंटेशन नहीं होती, आपकी बॉडी उस बोन को रिजेक्ट कर देती है, तो बेजल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और दूसरा, फुल माउथ जब कंप्लीट अपर और लोअर किया जाता है, या लोअर सेगमेंट हाफ या अपर सेगमेंट हाफ, तो ये ज़्यादा कामयाब हैं। चूँकि करने में तो पार्शल भी हो रहे हैं, बट ज़्यादा रिकमेंडेड फुल माउथ के लिए ही किया जाता है। और इसमें कन्वेंशनल इम्प्लांट कम लगाए जाते हैं, इसके नंबर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये 10 टू 12 इम्प्लांट्स पर सेगमेंट में लगाए जाते हैं। कन्वेंशनल 6 इम्प्लांट्स में काम चल जाता है, तो मल्टीपल इम्प्लांट्स की ज़रूरत इसमें रहती है। मैंने बताया कॉर्टिकल, जिसमें बोन जिसमें हाई स्ट्रेंथ होती है उसमें ये प्लेस किए जाते हैं, ये जल्दी हो जाता है। और मैंने आपको बताया जो टाइम 3 या 4 महीने कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में लगते हैं, इसमें कम समय में आपको दांत नए मिल जाते हैं और इसमें लेस विजिट्स होती हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब समय कम लगना है तो जिस दिन आपने इम्प्लांट सर्जरी कराई उस दिन या नेक्स्ट डे आपके इम्प्रेशन लिया जाएगा, 2 दिन बाद ट्रायल, 2 दिन बाद के बाद इसको फाइनल किया जा सकता है। कम समय, कम विजिट्स, और इसकी किट बहुत सिंपल होती है क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, साइनस के लिए अलग आती हैं, इसमें साइनस लिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और एक ऑक्लूजर मैंने जैसे बताया साथ के साथ उसको मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, और एक डॉक्टर बहुत परफेक्टली काम करे और बहुत एक्सपर्टीज होना चाहिए
कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है। तो पहली चॉइस हमेशा हर डेंटिस्ट और सर्जन की रहती है कि कन्वेंशनल इम्प्लांट करें, जिसमें इन कन्वेंशनल इम्प्लांट की पॉसिबिलिटी कम रहती है तो उसमें बेजल इम्प्लांट को चुना जाता है, क्योंकि ये CBCT या OPG से ही पता लगता है कि कौन सा इम्प्लांट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन सेकेंड चॉइस के रूप में इसको अगर हम बेजल इम्प्लांट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ज्यो ज्यो समय बीतता जाएगा और बेटर इसके रिजल्ट्स होते जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मेरी बहुत सी वीडियोस हैं, क्या खर्च आता है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, किस उम्र तक करा सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट करा सकता है या नहीं करा सकता, डर क्यों लगता है, बहुत सी वीडियोस हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको डेंटल इम्प्लांट्स पर बहुत सी वीडियोस मिलेगी। कीप ऑन वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर किया करें। और इंस्टाग्राम पर मैं डेली एक छोटे छोटे टिप्स देता हूँ जो बहुत यूजफुल टिप्स होते हैं और कभी काम आते हैं तो आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। उसका लिंक का नाम है डेंटल टिप्स बाय डॉक्टर भाटिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप अपने दांतों का ध्यान रखें, दांत डेफिनेटली आपका ध्यान रखेंगे।